एक चीज कहने वाला हूँ मैं, जब तू आएगा तभी कहूंगा, ठीक है? आ जा अंदर आ भाई, अब तो कंटिन्यू लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, यू नो भाई। ये जो है ना, ये ब्रेक हो गया था एंड तुम्हारा भाई यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था इस साइड खड़ा होके। बाबू एक सवाल मिलेगा, एक से कॉल दे दो, अब तो आप वीडियो में भी आ गए व्लॉग में। ओ भाई साहब, देखो तुम्हारे भाई के पावर। So, hey guys, welcome back to another vlog of FC Vlogger 10. And finally guys, आज हम चलते हैं सूर्य को लेने, बिकॉज सूर्य को ना छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो हम चलते हैं सीधा सूर्य के ट्यूशन। So, hey guys, finally सूर्य ने यहाँ बैठ के ना भाई साहब सेब खा रहा था, एंड मैंने उससे कहा कि भाई सेब दे दो, तो दे नहीं पाता मुझे। मैंने कहा रुक जाता है, ये वीडियो बनाता हूँ। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना भाई, अपने आप सेब आ गया। अब ये मैं खाऊंगा ना, एक और मांगूंगा, देखता हूँ एक और देगा भाई, दे नहीं पाता मुझे। अच्छा बताओ, अभी तक तो आप मुझे दे नहीं रहे थे सेब, अब क्यों देने लगे हैं? तो भाई वीडियो देखो, पहले कार्टून देखता है, फिर उसके बाद सेब भी खाता है। मतलब उसे उसे सेब भी खाना, उसे कार्टून देखना, और फुल टू हवाबाजी भाई, एक नंबर सेब, एक नंबर। पता क्यों है? इससे मैंने ना 200 रुपये किलो सेब है, 200 रुपये किलो। एंड पापा सिर्फ 2 सेब लेके आए थे, 80 रुपये के 2 सेब पड़े थे। सूर्य ने मंगाए थे, सेब लेके आए थे भाई, सब ग्रेट है, लग रहा है स्टैंडर्ड आ रहा हुआ है सेम में, एक नंबर। तो बाबू एक से बहुत मिला, एक से प्रैंक होता है सेब हाथ में, कहते हैं वहाँ से सेब उठा दिया हमने, ठीक है? बाबू एक से बहुत मिलेगा, एक से बहुत दे दो, अब तो वीडियो में भी आ गए व्लॉग में। ओ भाई साहब, देखो तुम्हारे भाई की पावर। मैंने कहा कि आप वीडियो में भी आ गए, व्लॉग में भी आ गए, तो भाई साहब उसने एक से बहुत दे दिया। तो भाई ये है, मतलब देखा एक व्लॉगर जो होता है ना भाई, क्या बात है। तो भाई क्या क्या कह रहे हो? अब हमें चाहिए भी नहीं। तो भाई मेन चीज ये है कि आपके भाई ने एक नया चैनल स्टार्ट करने वाला है। हाँ, 2 चैनल पहले से भी है, बट एक नया चैनल और स्टार्ट होने वाला है। द नेम इज प्रियंकी पांडे। एंड प्रियंकी पांडे जो होगा ना, उसमें हम लोग, मतलब मैं बहुत सारी आज कल मैंने देखा है कि मेरे डेली रूटीन में ना बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज देख रहा हूँ। तो भाई उन शॉर्ट वीडियोस पे ना अच्छे से रिएक्शंस आने वाली हैं, एंड उन रिएक्शंस को आपके सामने देखूंगा। एंड वीडियो देखते समय क्या क्या रिएक्शन आती है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो नीचे बोला कि मम्मी सामने कथा है तो पंखा देके आना। तो भाई हम आते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। मम्मी कह रही थी बाहर आपको आवाज आ गई होगी, तो फाइनली मैंने सोचा कि यार कोई नहीं है, तो चलते हैं थोड़े घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा थोड़ी मचाते हैं। अभी प्रैक्टिस के टाइम पे ना एसी टूट गई थी, तो भाई किसी को पता नहीं है, बताओ कौन सी चीज बताता हूँ। ये जो है ना, ये ब्रेक हो गया था एंड तुम्हारा भाई यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था इस साइड खड़ा होके, बैट वहाँ रखा है, एंड अभी यहाँ पे कोई है नहीं, तो चलो हम लोग सीधा करते हैं प्रैक्टिस। तो भाई हमारी जो अभी प्रैक्टिस हुई थी ना, फाइनली वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड 1.5 आवर की आई थी प्रैक्टिस थी, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया प्रैक्टिस करने में। एंड आई होप
कि आज शाम को हम लोग ना वर्ष स्पोर्ट्स जाएंगे, बिकॉज आज ना कोई भी कंटेंट नहीं बना भाई, कोई भी कंटेंट नहीं बना भाई। लिखूंगा क्या वीडियो, ऐसे अपलोड कर दूंगी आप कुछ भी बिना, मतलब 0-0-0 लिख के वीडियो अपलोड, भाई साहब वीडियो वायरल देखेंगे, ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं बना भाई साहब। लेकिन यार कंटेंट तो बनाना पड़ेगा, आई होप मैं ना अभी एक दो दिन में ना एक 0-0-0 लिख के वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड देखूंगा शायद वो वायरल हो जाए। आई थिंक 1-2 करोड़ व्यूज जब आएंगे तो 5-6 लाख सब्सक्राइबर तो अपने आप बढ़ ही जाएंगे। तो भाई आज का कोई कंटेंट नहीं है, तो भाई हम लोग मुंह ऐसे करके ऐसे उठाएंगे, ऐसे करके ऐसे आपका भाई मुंह उठाएगा और पहुंच जाएगा सीधा वंश स्पोर्ट्स एंड कंटेंट बन जाएगा वंश स्पोर्ट्स का। तो यार जब भी कोई कंटेंट नहीं बनता ना तो भाई वंश स्पोर्ट्स जाना है। एंड यार वंश स्पोर्ट्स वाले बहुत मतलब मेरे तो दुखी है, कहते हैं भाई तू रोज वीडियो बना रोज वीडियो बना, एंड भाई मैं तुम्हारा भाई इतना आलसी है वीडियो नहीं बना पाता। बट भाई एट द एंड तुम्हारे भाई ने सोच लिया है कि अब रोज वीडियो बनेगी। यस यार योर ब्रदर लिव इन दैरी एंड यार दैरी का लड़का है, उसके बाद भी यार वीडियो नहीं बनती, इतना हवस दिखाता तो भाई ये तो गलत है। एंड जितना भाई अब तो कंटिन्यू लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, यू नो पहले तो क्या होता था 2-3 दिन व्यूज आते थे, बट अब ऐसा है कि 30-40 सब्सक्राइबर तो ऐसे हैं जो भाई कंटिन्यू मतलब वॉच करते हैं कि भाई जैसी वीडियो अपलोड होती है वैसे वॉच करते हैं एंड एट द एंड तक वॉच करते हैं। तो भाई चलते हैं, शाम को हो सकता है वंश स्पोर्ट्स आए, तो देखते हैं शाम को क्या होने वाला है। तो चलते हैं सीधा वंश स्पोर्ट्स, आई डोंट नो कहाँ चलते हैं बट अभी करते हैं थोड़ा आराम एंड देखते हैं बाद में क्या होने वाला है। तो हे गाइस फाइनली जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर मतलब अभी दीपक आएगा तो बताऊंगा क्या क्या कहना है, ठीक है। एक चीज कहने वाला हूँ मैं, जब तू आएगा तभी कहूँगा, ठीक है, आ जाने ला पहले। तो भाई अभी देखो वंश स्पोर्ट्स ऑफ हो रहा है क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30, मतलब 9:50 हो गए भाई। देखो ये वाला सेटर भी ऑफ हो गया है एंड ये वाला सेटर भी ऑफ, जो चीज़ कहनी थी ना वो मैंने अभी कही नहीं है क्योंकि यार ये लड़का बाहर आ गया है। देखो ये छपरी यूट्यूबर जो है ना ये फाइनली बाहर आ गया है। तो अभी जब अंदर आएगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। तो भाई मैं ये कहने वाला था कि मैंने जैसे कि आपको सुबह बताया था कि अगर हमें कोई कंटेंट नहीं मिला तो तुम्हारा भाई ऐसे मुंह उठा के वंश स्पोर्ट्स पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे एक ही कंटेंट है वंश स्पोर्ट्स का। तो फाइनली गाइस हमारी जो अभी ट्रेनिंग हुई थी ना, मतलब हमारी जो क्या कहूँ उसे क्या था, दोबारा स्टार्ट करते हैं।